इस बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि हमने लोगों और गरीबों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम कराऊंगा और कायम करा। मोदी जी के जो 9 साल है उन्होंने क्या कमाल दिया, बेमिसाल जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दामन में है, भेजने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्टर में ऑफिस खोला है, इलेक्शन ऑफिस, जैसे कि श्रीनगर में जो सेंट्रल कश्मीर का हेड है। शुक्रिया, आज बताएगा जिस तरह आज इस ऑफिस की इनॉग्रेशन हुई है, क्या मुद्दा है इसका, क्या मकसद है और किस तरीके के इकदाम आप आइंदा उठाने जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। परिंदों को मिलेंगे मंजिल एक दिन, ये तो फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्टर में ऑफिस खोला है, इलेक्शन ऑफिस, जैसे कि श्रीनगर में जो सेंट्रल कश्मीर का हेड है वहाँ पर पार्लियामेंट्री मेंबर खटाना साहब ने इनॉग्रेशन की है, बारामूला में शर्मा साहब ने इनॉग्रेशन की है, और श्री कोल साहब ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अनथंग में किया है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि उनको लोगों के पास जाना है, इंटरेक्शन करना है लोगों के साथ मिलकर कि मोदी जी के जो 9 साल है उन्होंने क्या कमाल दिया, बेमिसाल जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दामन में है, भेजने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लोग थक जाएंगे गिनते गिनते कि इन्होंने डेवलपमेंट कितनी की है, प्रोग्रेस कितनी की है, अमन कायम हुआ है, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए बाजाबाद करके वसीले पैदा हो रहे हैं, सपोर्ट्स में इनका नाम चल रहा है, टूरिस्ट सेक्टर में टूरिस्ट सेक्टर उजागर हुआ है, अमन हुआ है, क्योंकि ये एक ख्वाब था कि जम्मू एंड कश्मीर में अमन कायम कराना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम कराऊंगा और कायम करा के रखा है, तो लोग इससे खुश हैं। और यंग जनरेशन, यंग इंडिया, ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए तो बाजाबादकारी हो जाए, अमन अमान हो जाए, तो लोग चाहते हैं कि साफ और शफाफ हुकूमत आ जाए और साफ और शफाफ हुकूमत को साथ देंगे। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक सीट लेने में कामयाब हो जाएगी? जैसे कि मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और जो मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, लोग बाजाबाद करी अमन प्रॉस्पर्टी को साथ देंगे और साफ और शफाफ गवर्नमेंट के चुनेंगे, और हमारे जो पार्टी लीडरान हैं, जो पार्टी सरबरा है, उनका कहना है इस बार फिर से मोदी सरकार, क्योंकि हमने लोगों और गरीबों के लिए काम किया है। हज़बी इख्तिलाफ में बैठी पार्टियां आपको तनकीद का निशाना बनाती हैं, कहती हैं कि नहीं, जहां भाजपा ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, लेकिन अमन कहीं नज़र नहीं आ रहा है, किस तरह आप रिएक्ट करेंगे? हर सू अमन ही अमन कायम हो रहा है, न कोई ग्रेनेड न कोई बंदूक की गोलियां, क्योंकि सबका हुकुमरानों ने अपने मुफाद के लिए हमारे नौजवानों को कब्रिस्तानों का रास्ता दिखाया, लेकिन हमारी जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट्स ग्राउंड दिया, अपना हुनर इजहार करने के लिए उनको एक प्लेटफार्म दिया। हमारा नौजवान भी पब्लिक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अपना नाम कमा रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान ड्रग से बाहर आए, गलत सोच से बाहर आए, दहशतगर्दाना सोच से बाहर आए, नेशनल और इंटरनेशनल में खेले, अपने मुल्क का नाम रोशन करे। सर, जिस तरह आपने तरक्कियों का, डेवलपमेंट का तज़किरा किया, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि आम लोगों के दिलों में अभी भी भाजपा जगह नहीं बना पाई है, क्या वजह है? क्योंकि उनमें काउंसलिंग गलत हुई थी। आप देखिए हर सू अमन ही अमन नज़र आ रहा है, आप देखिए कुशादा सड़कें, आप देखिए हर एक, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे अब्दुल्ला खान तक, तो 5 लाख रुपए का कार्ड है, जो भी बीमार होता है 5 लाख रुपए का इलाज कर सा। आप देखो कुशादा सड़कें, आप देखो रेल, आप देखो एम्स 2 हस्पताल, ये तरक्की नहीं है और क्या। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं
डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।